हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में और एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी, मतलब उसको पुलाव भी बोल सकते हो, बिरयानी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बहुत इजी तरीके से कुकर में बनाने वाला। चावल खाने की इच्छा है और कुछ और नहीं बनाने की इच्छा है तो आप इस तरीके से इजिली छोटा सा प्रोसेस से बना सकते हो कुकर में। तो जिसके लिए मैंने वेजिटेबल तो आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हो। ये देखो, मैंने सोया बीन लिया है, इसको गर्म पानी में सोक करके निकाल लिया है। आलू है, गाजर है, ये पटल है, परवल, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स भी है। और मैंने ये प्याज इस तरह से काट लिया है, धनिया जो अभी चॉप करना बाकी है, अदरक लहसुन जो क्रश किया हुआ है, और टोमेटो है, और ये पुदीना भी है फ्रेश, हमारे क्या गार्डन से, हमारे खुद के गार्डन से तोड़ा हुआ, गार्डन ही में टेरेस पे लगाया हुआ है ऐसे ही पॉट में। और ये राइस को मैंने धो के रख लिया है, आप देख सकते हो धो के मैंने रख लिया है। और अब बनाते हैं बिरयानी। इसके लिए मैं थोड़ा सा दही लूंगी, इसे बिरयानी वाला टेस्ट आने चाहिए और उसमें तो दही होना ही चाहिए। देखो तो अच्छे से मैं फेंट लूंगी। अंदर थोड़े से मसाले जाएंगे, कुछ जैसे कि ये कश्मीरी मिर्च जिसे कलर आएगा अच्छा बिरयानी का, तीखा नहीं होता, और हल्दी, थोड़ा सा ही हल्दी डालूंगी ज्यादा नहीं, ये लाल मिर्च तीखा वाला है, घर का ही पीसा हुआ मिर्ची, ये थोड़े काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा बस धनिया पाउडर। ये हो गए हमारे मसाले, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा घी डालूंगी, थोड़ा सा घी डाल दिया मैंने जैसे कि मसाले बहुत अच्छा लगे, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा घी का। अब ये मसाले फूल जाएंगे, थोड़ा देर में रखूंगी इसको तो ये अच्छे से फूल जाएंगे। देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। और अब फ्राई करना स्टार्ट करते हैं सब्जी। एक एक करके सब्जी को फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे पहले। और मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मैं सब कुछ मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, सारी सब्जियां जो भी बनाती हूँ मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। मुझे नहीं पसंद वो सिर्फ पूड़ियाँ तलना हो, पराठे बनाने हो तो ही मैं यूज करती हूँ सोयाबीन ऑयल, नहीं तो बस मस्टर्ड ऑयल। हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी बनता है। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर आलू डालेंगे। और
एकदम लाल करके आलू को निकाल लेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर आलू को निकालेंगे। आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से भून गए हैं। अब इसके अंदर मैं पटल डालूंगी, परवल थोड़ा इसको भी भून लूंगी। और ये देखो गाजर भी मैंने डाल के हल्का सा चलाया है, ज्यादा नहीं। फोन का टेम्परेचर थोड़ा हीट ज्यादा हो गया था, उसकी वजह से बंद करना पड़ा वीडियो। और अब देखो सोयाबीन को भी मैंने डाल दिया है, इसको भी हल्का सा भून लेंगे, फिर सारी सब्जियों को निकालेंगे, फिर मसाले भी लेंगे। देख सकते हो ये फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा घी डालेंगे हम, एक चम्मच घी डाल दिया। और ये राइस जो मैंने धो के रख लिया है सोक करके, इसको डालेंगे थोड़ा सा, इसको भी भूनेंगे इसके साथ। इसलिए मैंने घी डाला है। वही राइस भी थोड़े से भून गए हैं। इस तरीके से आप अगर बिरयानी बनाते हो को हल्का सा भून लो ना सब्जियों के साथ, तो क्या मैसी मैसी नहीं होते हैं चावल जो होते हैं ना, एकदम अलग अलग होते हैं। बिरयानी जब खोलोगे ना आप कुकर में, भले ही आप कुकर में बना रहे हो बट सारे चावल अलग अलग दिखेंगे आपको। इसको मैं खाली कर लिया हूँ, अब मैं मसाले बनाऊंगी। ये देखो इसको मैंने खाली कर लिया है, अब मैं मसाले बनाऊंगी एक बार। कभी भी आपको बिरयानी खाने की इच्छा हो और लगे बिरयानी बनाना तो बहुत टफ टास्क है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, जो बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी और टेस्टी भी बहुत बनता है। मैं अक्सर बनाती हूँ जब भी चावल ऐसे ही कुछ खाने का इच्छा हो, अलग सा चावल को अलग तरीके से करके, तो कभी पुलाव बना लेती हूँ, कभी इस तरह का बिरयानी बना लेती हूँ। और जो वेजिटेबल खाने वाले वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो वेस्ट है ये। तो देखो ऑयल ले लिया है मैंने मसाले तैयार करने के लिए, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। फिर देखो इसके अंदर ये थोड़े गर्म मसाले, बड़ी इलायची छोटी इलायची ले लिए हैं, जावित्री ले लिए हैं, दालचीनी है, लौंग है, तो तेज पत्ते भी है, ये ड्राई फ्रूट्स है कुछ। हम गरम मसाले पहले डाल देंगे। गरम मसाले को हमेशा हल्का सा गरम हो जब ऑयल तभी डालना चाहिए, जिससे कि उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। जब ज्यादा गरम होता है ऑयल तो वो जल जाता है, इमिडिएट आप डालो वो जल जाएगा, तो उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है ना वो ऑयल में नहीं आ पाता। अब इसके अंदर प्याज डालेंगे।
इसको हल्का भून लेंगे, लाल हो जाने देंगे, उसके बाद अदरक लहसुन डालेंगे। एक बार गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, फिर अदरक लहसुन डालते हैं। अब इसमें ये अदरक लहसुन डाल देते हैं, क्योंकि प्याज भुन गया, दूसरा काम करने लगी, जब तक प्याज तो कुछ ज्यादा ही भुन गया। देख सकते हो इसमें अदरक और लहसुन डाल दिया मैंने, तो हल्का सा भुन गया, तो प्याज ऑलरेडी बहुत ज्यादा भुन गया है। अब टमाटर डाल देंगे, क्योंकि टमाटर को गलना जरूरी है, उसके बाद डालेंगे मसाले। देख सकते हो ये टमाटर मेरे गल गए हैं, तो अब इसके अंदर मैं ये मसाले जो मैंने मिला के रखे थे दही के साथ, इसको ऐड कर लिया। हल्का सा पानी डालेंगे, पानी ज्यादा नहीं डालना मुझे, क्योंकि फ्राई होने में बहुत टाइम लगेगा, मैं ज्यादा पानी डाल दी। देख सकते हो मसाले कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम टेक्सचर इसका देख सकते हो आप। और उधर मैं तेल गरम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पनीर नहीं डाला था इसके अंदर फ्राई करते समय, मैं भूल गई थी, फ्रिज से निकाला नहीं था, तो मैं थोड़ा उसमें डीप फ्राई कर लेती हूँ पनीर को, हल्का सा, ज्यादा नहीं। पनीर के कुछ क्यूब्स मैंने रखे है, इसको इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने वो लगा दिया है कॉर्नफ्लोर, जिससे इसका पानी अब्जॉर्ब हो जाए। देख सकते हो अब ये मसाला ऑयल छोड़ दिया है, मतलब भून गया है अच्छे से। इसके अंदर थोड़े से गरम मसाला डालूंगी, जो मैंने पीस के रखा घर पे, ये गरम मसाला का पाउडर थोड़ा सा ही डालेंगे। और इसमें थोड़ा बटर, पूरी तरह से रेडी है मसाला। अब इसको इसमें मैंने कुकर में सारे चीजें डाल ली है, और पनीर भी मैंने फ्राई कर लिया, पनीर को भी मैं उसमें डाल देती हूँ। अब इसके अंदर ये मसाला डालेंगे, फिर पानी जितनी जरूरत है पानी डाल देंगे, पानी को गर्म करके डालना पड़ेगा। ये देखो कितना अच्छा टेक्सचर दिख रहा है मेरे मसाले का, देख सकते हो आप। इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे कुकर में, इसमें थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। गर्म हो चुका है, गर्मी में एक प्रॉब्लम है, ठंडे के दिन में हाथों से ही निकल उठ जाते हैं, गर्मी में समस्या। इसको थोड़ा सा धो के कढ़ाई को, कढ़ाई को मैंने अच्छे से धो लिया है, इसको इसके अंदर
डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं रखना है, पानी कम रखना है। आप रेगुलर जो चाइस बनाते हो उसमें जो चावल में जो पानी जो डालते हो ना, उससे पानी इसमें कम डालना है। ये गर्म पानी मैंने डाला, एक बार देख लेते हैं पानी और लगेगा या, क्योंकि चावल ने भी ऑलरेडी पानी सोख करके रखा है। मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नमक इसके अंदर मैंने डाल दिया था, जब टमाटर डाला था तभी मैंने डाल दिया था नमक। क्योंकि टमाटर आप फ्राई करते हो ना तो नमक डालने से टमाटर जल्दी गलते हैं, इसलिए मैंने नमक उसमें डाल दिया था। ये देख सकते हो पानी का लेवल कितना है। नॉर्मली राइस बनाते हो तो इससे ज़्यादा पानी रहता है, कि कम से कम जितना चावल हो उसमें डबल पानी होता है, बट बिरयानी में डबल नहीं होना चाहिए पानी। जैसे एक गिलास राइस है तो आप डेढ़ गिलास ही पानी डालो, डेढ़ गिलास से कम भी डालोगे तो चलेगा। देख सकते हो चावल दिख रहा है थोड़ा सा बस ढका। और ये अब इसके अंदर पुदीना और धनिया, अब बस इसको बंद कर देंगे और दो सीटी लगाना है। हमारा दो सीटी लगने के बाद अब ये सीटी ठंडा हो चुका है, तो अब इसको मैं खोलती हूँ। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखो चावल कितने खिले खिले हुए हैं। देखो देख सकते हो सारे चावल एकदम अलग अलग है। देखो एकदम बिरयानी वाला लुक है। आप इस तरह से बिरयानी बनाओ, वेज बिरयानी वेज खाने वाले इस तरीके से आप बना सकते हो एकदम इजी और सिंपल वे में। अगर अच्छा लगे कमेंट करो, लाइक सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।